चरंदा चोर कर रहा था मैं, और शहर के चौराहे पे मैं ऊपर पोस्टर चिपका रहा था। अच्छा, समझे? और नीचे जो है संदीप एक ऑमलेट लेकर के खड़ा हुआ है। अच्छा, जल्दी कर यार, ठंडा हो जाएगा, जनवरी का महीना था। अच्छा, मैंने कहा आ रहा हूँ भाई, अब ले हाथ में लगी है, चिपका रहे यार। इतना मैं स्कूटर पे बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग स्कूटर रोक के देखा उन्होंने ऊपर की तरफ, देखा कि क्या है ये। बोला नाटक है। कौन सा? चरंदा चोर। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहाँ कलाकार कौन कौन है? इससे पहले की मतलब कि किसी की उंगली उठती कि कलाकार वो है, वो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ऐसा ना कहा कि आर्टिस्ट आएंगे दिल्ली जाएंगे। एक फिल्म आई थी बेशर जी, रणबीर कपूर की, उसमें मुझे जो किरदार मिला था वो आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, और जिसे बोलते ना कि आपको लाइफ का ड्यू मिलना जी, वो थी। अच्छा, और वो अचानक 10 दिन की शूटिंग के बाद मेरे को बुलाना बंद कर दिया। काला गुरु, तुम्हें अगर बॉम्बे जाना है, एक टोटका है। अच्छा, मैंने कहा क्या? 1 जून को जाओ ट्रेन पकड़ो। अच्छा। और 2 जून को पहुंचो। अच्छा, तो कम से कम 2 जून की रोटी तो मिले। नमस्कार, कुछ मीठी कुछ तीखी के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने चेहरे ब्रजेंद्र काला जी। और आपको जब भी मेट मूवी का एक सीन बहुत अच्छे से शायद याद हो, जब करीना कपूर और शाहिद कपूर की गाड़ी छूटती है और वो एक टैक्सी पकड़ते हैं और वो टैक्सी उनको नेक्स्ट स्टेशन तक लेके जाने वाली होती है, तो एक मधुर सा गीत गुनगुनाते हुए उनको ब्रजेंद्र जी जब छोड़ने जाते हैं। इस समय रोल लगभग रिवर्स हो गए हैं, इस समय ब्रजेंद्र सर को गाड़ी पकड़नी है और मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूं अभी एयरपोर्ट। ब्रजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो सर ये सेगमेंट है, इसका नाम है कुछ मीठी कुछ तीती। इसमें तीती एक कुमाऊनी शब्द है जिसका अर्थ है कड़वा। अच्छा। और तो कुछ मीठी और कुछ तीती यादें जीवन से जुड़ी हुई, उस पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सर शुरू करेंगे, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ बीता आपका बचपन और कैसा था बचपन? मेरी पैदाइश जैसे कि उत्तराखंड से हुई है जी, पौड़ी गढ़वाल में एक गांव है सुमाड़ी जी, मैं वहाँ का हूँ। और मेरी पैदाइश नौटियाल गाँव में जी, मेरी माँ के यहाँ मेरी ननिहाल पे हुई। और बचपन में ही मतलब मुझे तो याद नहीं एकदम से, मैंने जब आंखें खोली तो मैंने जब समझदार हुआ तो मुझे मथुरा याद आया। पापा जो हैं वो वेटरनरी कॉलेज में कार्यरत थे, वहाँ गेट सुप्रिंटेंडेंट थे। ओके। और तो मेरा बचपन वहीं निकला, मैंने वहीं अपनी स्टडी, ग्रेजुएशन, थिएटर, वो सारी की सारी एक्टिविटी मैंने वहीं की। तो आप वो एक बचपन जिसे कहना चाहिए कि इकट्ठी तीती यादें जैसे तुम बोलते हो जी, तो वैसा ही रहता है कि मतलब कि आप इकट्ठी यादें वो होती है जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो और अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और कायदे से सफलता नहीं होती है ना। तो आप कैसे थे, आपके मार्क्स कैसे आते थे? अरे बहुत मतलब जिसे कहते हैं रो रो के पास होता था। अच्छा। और थर्ड डिवीजन जिसे कहते हैं। और इस पे पिताजी का क्या रिस्पांस रहता था? ये रहता था कि तू कैसे भी करके बस अपना ग्रेजुएशन कर ले, या मतलब वेटरनरी डॉक्टर तो के लिए ट्राई कर। अच्छा, वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। हाँ, मतलब वेटरनरी डॉक्टर बने। अच्छा, लेकिन मेरा रुझान पहले मैंने आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में बाल गोपाल प्रोग्राम से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैंने युवा वाणी, उसके बाद फिर प्लेस मैंने लिखे भी कुछ, और जैसे कि हवा महल वाले कार्यक्रम आते हैं ऐसे जो अच्छे प्रोग्राम आते थे तो उनमें मैंने भाग लिया। और बस तो उस यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा में जो मेरे को जो मुलाकात हुई उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असलाना। अच्छा, वो मतलब इस वक्त मतलब अपनी फिल्म इंडस्ट्री की रिनाउंड राइटर है,
बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं उन्होंने, तो वो मथुरा आकाशवाणी में अनाउंसर थी और वहाँ मैं जाया करता था और वहीं से मालूम पड़ा कि मतलब उनका एक थिएटर ग्रुप है स्वास्तिक जी, फिर मैंने वो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद और ये कब की बात है, मतलब आप उस वक्त स्कूल से पास आउट हो चुके थे, कॉलेज में थे या कब? हाँ, उनसे बोलूं जी? हाँ, मैं ये कॉलेज की बात है, जब मैं अच्छा। मतलब कॉलेज की शुरुआत थी मेरी और वो तब की बात है, तब मैं थिएटर में जुड़ गया था और तब मैंने स्वास्थ्य रंग मंडल में मेरी भर्ती हुई, वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। खामोश अदालत जारी है, अच्छा मिनिस्टर आपका क्या बोलते हैं सिंहासन खाली है, घासीराम कोतवाल, चरणदास चोर, बहुत बड़े बड़े प्ले, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए और मैं करीब करीब मुख्य भूमिकाएं करता था। अच्छा, ओके। और संदीपन जो कि मतलब माँ के असरा जी के सबसे बड़े सुपुत्र, वो आप दुनिया में नहीं है, वो डायरेक्ट किया करते उन प्लेस को। हाँ, अच्छा। तो संदीपन मोस्टली डायरेक्ट करते थे और वो बहुत ही सुलझे हुए थिएटर के डायरेक्टर थे और मैं ज़्यादातर मैंने मुख्य भूमिकाएं की। और ये प्लेस उस दौर में मथुरा में ही हो रहे थे या उसके इर्द गिर्द भी आप प्लेस के लिए अलग अलग जगह जा रहे? हाँ, अलग अलग जगह थे, मतलब मथुरा में करते थे। अच्छा। उसके बाद दिल्ली में शो होते थे, श्रीराम सेंटर में, और लखनऊ भी जाते थे, वहाँ भी करते थे, चंडीगढ़, जहाँ जहाँ मतलब थिएटर एक्टिविटीज ऐसी ना कि जहाँ से बुलावा आ गया जी वहाँ शोज कर दिए जाके। फिर हम थिएटर फेस्टिवल भी करते थे मथुरा में, तो हम भी और ग्रुप्स को बुलाते थे। ओके। उनके साथ वहाँ उनको हम बुलाते थे, उनके शोज दिखाते थे ऑडियंस को। उस दौर तक सर ये आपका क्लियर हो चुका था माइंड में कि मुझे थिएटर में ही फ्यूचर और करियर के लिए तौर पे भी थिएटर से ही जुड़ा रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थिएटर से। अच्छा, ये करियर के तौर पे ये क्लैरिटी आ गई थी। ये क्लैरिटी कब कब, मतलब जैसे आपने बताया कि पिताजी तो चाहते थे कि डॉक्टर बने, हाँ, तो एक प्रेशर भी रहा होगा घर वालों का, तो उनका समर्थन कितना मिल रहा था जब आप थिएटर कर रहे थे, और ये क्लैरिटी आपको कब आ गई थी कि मुझे थिएटर ही मेरा फ्यूचर है या एक्टिंग ही मेरा फ्यूचर है? क्या है कि मेरी पढ़ाई लिखाई करीब करीब पूरी होने को, पूरी क्या मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद। और ग्रेजुएशन किस में कर रहे थे आप, क्या पढ़ रहे थे? मैंने बायोकेमिस्ट्री से किया। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री। हाँ, क्योंकि मैं जब कक्षा 8 में था जी, उसके बाद 9th में जब हम सब्जेक्ट चेंज होते हैं तो मेरा रुझान संगीत की तरफ था। अच्छा। स्कूल के फंक्शन हो, स्कूल की प्रार्थना हो, उन समय मैं गाया करता था और मेरे को था मुझे म्यूजिक लेना, और मेरे पापा ने बोला भी मतलब क्या लेना है तेरे को, मैंने कहा संगीत, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे गुस्से में मुंह बनाया। अच्छा। ये कोई सब्जेक्ट है, लेना तो कॉमर्स लो। मैंने कॉमर्स क्या, साइंस ले। अच्छा। तो फिर मैंने साइंस ली और बायोकेमिस्ट्री भी धीरे धीरे करके, जब मैं ग्रेजुएशन किया मैंने तो बायोकेमिस्ट्री से किया, और बस एक मतलब समर्थन की बात जहाँ तक मैं कहूँ कि वो मैं उसका इंतजार नहीं था कि मतलब कि वो समर्थन देते हैं कि नहीं देते। अच्छा। लेकिन मेरा था कि मैं समर्थन ले लेता था। अच्छा। है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसे वक्त पे जब आपका रुझान पूरी तरह से, मैं एक तो मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि मैं घर में 3 बहनों में एकमात्र पुत्र था। अच्छा, अकेले भाई थे? अकेले भाई थे जी। तो मतलब जलवे थे अपने घर में ना। अच्छा। हाँ, मतलब लाडले, मतलब बहनों। हाँ, लाडले मतलब ऐसा, मतलब बिगड़ा हुआ नहीं था मैं जी। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल, और ये थैंक गॉड कि मतलब मैं थिएटर कर रहा था, और थिएटर करने से एक बच्चे में क्या था कि मैच्योरिटी आ जाती है, एक समझदारी आ जाती है। हम कहानियाँ, किस्से, नाटक, इन सबको पढ़ना, लिखना, इसमें इन्वॉल्व होना, तो कैसे ना कैसे करके आपको एक सामाजिक तौर पे एक जिम्मेदार नागरिक बना देता है जी, परिपक्व है ना, परिपक्व बना देता है। मतलब हमारा तो मानना ये था कि उस यूथ में, टीनेज और यूथ जब हम चल रहा था मेरा जी, उस वक्त हम देखते थे, सुनते थे कि मतलब पान की दुकानों पर लड़के खड़े होकर के सीटियाँ बाजी और मतलब कुछ ना कुछ आपाधापी है ना, इस तरह के काम किया करते थे। हम जाकर के एक जगह पे इकट्ठा होकर एक नई स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उसकी तैयारी करते थे, एक पूरा सोशल और समाज से भी जुड़ते थे, है ना, कुछ कुछ भी इस तरह के, अगर बाइक में कहीं कुछ दंगा फसाद या कुछ इस तरह का हो गया जी, तो उसको कैसे निपटाना है ना, सरकार का और शहर का
वो सब क्लियरिटी शांति स्थापित करवाना, वो एक चेतना जो है, वो एक जन चेतना जो है एक थिएटर कलाकार की, वो बहुत हिस्सेदारी उसके ओवरऑल उसकी फ्रेमिंग में और कैरेक्टर बिल्डिंग में। जी जी। तो उसके बाद ये थिएटर का जो आपका दौर रहा ये कितना लंबा चला? मैंने करीब करीब 18-19 साल। अच्छा। लगातार बस सिर्फ और सिर्फ थिएटर। सिर्फ थिएटर। तो इस दौरान थिएटर से कमाई तो संभवतः नहीं होती होगी ना। तो मैं उसके लिए फिर तब तक मतलब परिवार पे या बाकी चीजों पे ही निर्भर थे या कुछ और? नहीं, वो क्या था कि साथ में क्या होता है कि मतलब कुछ आपके सहयोगी होते हैं, मतलब एक श्याम भाई साहब हमारे स्टेट बैंक में काम करते थे। अच्छा। जैसे माँ रेडियो में काम करती थी अर्चला जी, है ना। उसके बाद और भी कुछ लोग ऐसे होते थे तो वो उधारी चलती रहती थी। अच्छा। कि ना इससे सहयोग लेना, उससे लेना, उससे लेना। फिर धीरे धीरे करके हमने 5 रुपए की 10 रुपए की टिकटें लगानी शुरू कर दी। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हमने स्पॉन्सर प्रोग्राम करने शुरू किए। अच्छा। सोवेनियर निकालने शुरू की, एड लेने शुरू किए, है ना। तो वो क्या होता था कि वो एक प्रोसेस होता था कि पूरे शहर में यहाँ वहाँ जो है आप थैला लटकाए हुए, तो थिएटर का बंदा दिखाई देता था कि ये आ गए भाई। अच्छा। ना? और क्या हो रहा है आजकल? हाँ। कि हमने प्ले उठाया कौन सा, चरणदास छोर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो उसका कलेक्शन हो रहा है, है ना। एक फेस्टिवल होगा तो उसका कलेक्शन हो रहा है। और ये मतलब कितना सीरियस काम होता था, ये आज मैं याद करता हूँ उन सब चीज़ों को। इतने सिंसियरिटी से हम लोग ये सब करते थे, है ना। और कोशिश भी रहती थी कि मतलब कुछ कुछ कमाई हो जाए इस तरह से। साथ के साथ क्या होता था कि मैं, मेरा एक दोस्त राकेश गुप्ता, तो उसके साथ मिलकर के मैं उस वक्त ना ये था फोटो स्टेट की प्लेट्स होती थी। अच्छा। है ना। तो फरीदाबाद से वो फोटो स्टेट प्लेट्स आती थी। अच्छा। और तो एक फ्री टाइम में जब जब मौका मिलता था तो वो इसकी जीरोक्स की दुकानों पे जाकर के मैं वो सप्लाई भी करता था। अच्छा। तो उसमें से करीब करीब 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये पर प्लेट जो है। अच्छा। बच जाया करता था। अच्छा। है ना। ये भी एक काम था जिससे कि आपकी थोड़ा सा आर्थिक वो सुविधा, कम से कम ये है कि हाँ, कहने को ना हो कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कम से कम ये है कि आप अपना खर्चा तो उठा सको, वो तो वहन कर सको, बाकी थिएटर अपना चल ही रहा। और ये आपकी उम्र अब तक लगभग क्या हो चुकी थी? बस चक्कर वही है कि मतलब कि मैं युवा, जिसे कहना चाहिए कि 22-23 साल का, 23 साल का हो चुका था। अच्छा। है ना। और मैं वही बोलता हूँ कि आज के बच्चों से कि इस उम्र में बच्चे जो है 22-23 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और क्या क्या कर लेते हैं, और हमारी वही डग्गे मारी चल रही है ना। और यही मतलब थिएटर 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 इसने बिल्कुल ऐसा बना दिया था कि मानसिक रूप से बिल्कुल एक फिक्स हो गया था कि सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। हमारा काम क्या होता था कि अगर बारिश हो गई तो मैदान गीला हो जाता था, मट्टी ला के उसको डालना जिससे कि शाम को ऑडियंस आएगी उनको किसी बात की तकलीफ ना हो। जी। तो वो सारे काम भी हम ही को करने, खुद ही करने, पोस्टर भी हम ही को चिपकाने, है ना। चरणदास छोर कर रहा था मैं और शहर के चौराहे पे मैं ऊपर पोस्टर चिपका रहा था। अच्छा। समझे। और नीचे जो है संदीपन एक ऑमलेट लेकर के खड़ा हुआ है। अच्छा। जल्दी कर यार, ठंडा हो जाएगा, ठंडा जनवरी का महीना था। अच्छा। मैंने कहा आ रहा हूँ भाई, अब ले हाथ में लगी है, चिपका रहे आप इतना। मैं स्कूटर पे बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग स्कूटर रोक के देखा उन्होंने ऊपर की तरफ, देखा कि क्या है ये, बोला नाटक है। कौन सा? चरणदास छोर। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहाँ कलाकार कौन कौन है? इससे पहले कि मतलब कि किसी की उंगली उठती कि कलाकार वो है, वो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ऐसा ना कह के आर्टिस्ट आएंगे दिल्ली जाएंगे। अच्छा। समझे। अच्छा 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 यार, टिकट है? हाँ टिकट है। कितने की है? 5 रुपए की 10 रुपए की। अच्छा अच्छा यार, दो तो दे दो कम से कम। अच्छा। अगर उन्होंने बोल दिया होता कि वो है हीरो, हाँ। वो लटका हुआ ऊपर, कोई नहीं आता, नहीं आते। समझे। जी जी। तो भैया वो मतलब वो दिन तो भुला ही नहीं भूलते और भूलने भी नहीं चाहिए। वो समय ऐसा था कि, और वो ही उसको आप कितना क्रेडिट देते हैं मुंबई में पैर जमाने के लिए, वो जो आपकी ग्रूमिंग हुई, जो ट्रेनिंग हुई, वही मैं बोलता हूँ ना कि मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कितनी मेहनत की, आपका डेडिकेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, वो थिएटर लाता है। उसी के बलबूते पे जो कुछ भी काम शुरू किया है ना, तो वो मतलब बहुत काम आता है, डिसिप्लिन सिखाता है। अच्छा, अब मुंबई के बारे में बात करते हैं। फिर मुंबई जाने का आइडिया
कब क्लिक किया कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए थिएटर से और सिनेमा की ओर बढ़ना चाहिए? मैंने बताया ना कि मैं जब मैं थिएटर की तैयारी में लगा हुआ था, फिर सफलता नहीं मिली जी, कि जब किसी रेपेटरी में, अच्छा जब आप चाहे नहीं एनएसडी में या उसमें, हाँ, हाँ। जब किसी रेपेटरी में एंट्री नहीं हो पाया तो फिर मैंने कहा कि अब तो बॉम्बे जाना है, बॉम्बे ही जाऊँगा। अब बॉम्बे आया, बॉम्बे आकर भी मैंने मतलब अपने दोस्त समीर इकबाल पटेल के साथ दो तीन साल कुछ थिएटर किया, अच्छा लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, लेकिन क्या है ना कि सिलसिला यही है कि मतलब फिर घर परिवार हो गया, शादी हो गई, तो फिर ये था कि मतलब तो मुंबई जाने से पहले शादी आपकी हो चुकी थी? नहीं, मैं आया था बॉम्बे आने के बाद। अच्छा, बॉम्बे आने के बाद हुई, और आने के बाद हुई, और तब तक मैं एकदम पूरी तरह से जमा भी नहीं था जी। और एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी परिवार की, तो उसमें क्या होता है ना कि आप तो सोचते कि अगर मुझे थिएटर ही करना है तो फिर मैं वहीं जा कर रहूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब कि यहाँ से कहीं अच्छा मैं वहीं करूँगा, और यहाँ आकर भी अगर मैं थिएटर कर रहा हूँ तो यहाँ तो मतलब खाना पीना रहना सब दूभर हो जाएगा जी। इतना बड़ा शहर है और इतना कीमती शहर है ना, तो इसलिए फिर वो छोड़ दिया और फिर टोटल जो है अपने आप को इसी में फिक्स किया, अपने आप को बिल्कुल सेंट्रलाइज की, मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ ये करना है ना, टीवी या सिनेमा जी, है ना, ये था। तो इसका शुरुआत कैसे हुई सर, पहला एंट्री जिसको आप मानते हैं जिसने वहाँ मुंबई में आपको पैर जमाने पे, या ये जिसके बाद आपको ये लगने लगा कि अब वापस तो नहीं लौटना है, अब इतना तो जम गया है? हाँ मतलब, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि मतलब हर किसी के दिल के लाइफ में मतलब एक आध मौका ऐसा आता है कि हाँ चल अब लौट चले जी, कि तुमसे ना हो पाएगा जी जी, ऐसा वाली जब सिचुएशन आ रही थी, लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी आई होंगी, ऊपर वाले ने ऐसा होने नहीं दिया। अच्छा। बीच में एक बीच में एक स्थिति ऐसी आई थी कि मेरी तबीयत खराब हुई और मैं मथुरा वापस चला गया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ जाकर के अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला, अच्छा हाँ, E3 के नाम से, और लेकिन मन जो है वो भी बड़ा मन मार के खोला होगा उस समय, मतलब इस विचार से खोला था क्या कि अब थिएटर नहीं, कम से कम पैसों की बंदोबस्त के लिए कुछ और काम कर लो? थिएटर तो कर ही रहे थे हम, अच्छा कर रहे थे, है ना, लेकिन उसमें ये था कि मतलब कि हाँ ये करके एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला अपने मतलब पार्टनरशिप में, कि कुछ जो है चलता रहेगा लाइफ में, एक्टिविटीज बनी रहेगी, थोड़ा सा आपका जो वो है क्या होता है विजन वो काम करेगा, तो वो हम करने लगे थे साथ ही साथ। अच्छा, और फिर क्या हुआ कि मेरे एक मित्र हैं, उनके बड़े भाई साहब ज्ञान प्रसाद, वो मुझे मिले और वो बॉम्बे में ही नौकरी करते हैं, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि काला गुरु तुम्हें अगर बॉम्बे जाना है एक टोटका है। अच्छा, मैंने कहा क्या? 1 जून को जाओ ट्रेन पकड़ो, अच्छा, और 2 जून को पहुंचो, अच्छा कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी। अच्छा समझे जी, मैंने कि पहले तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये क्या बोला, लेकिन मुझे वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, हाँ, और बिल्कुल जैसे कहता है ना फिक्स लगी कि गुरु ये कमाल की बात, तो मैंने जो है ठान ली। अच्छा, और मैंने वो एक तो आपने कर ली, अच्छा आपने माना हो कि मैं 1 जून को जाऊंगा, उससे पहले मेरे को 2-3 चांस मिले, अच्छा आने के, मैंने कहा नहीं मेरी टिकट बुक है। अच्छा, कब की? 1 जून? अरे वो तो बहुत दिन है यार, अभी चलो ना, मैंने कहा ना 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 नहीं, मैं तभी जाऊंगा। अच्छा, और मैं वही हुआ कि 1 जून को निकला, 2 जून को पहुंचा, और बस उमा देवी की कृपा और मैं बसा हुआ हूँ तब से जी। अच्छा, ये हम लोग संघर्षों की कहानी सुनते हैं कि जितने भी लोग मुंबई पहुंचते हैं तो बहुत तरह के स्ट्रगल्स, कभी हम ये कहानियां सुनते हैं कि रेलवे स्टेशन पे कई दिनों तक रहे, तो इस वाले पार्ट में आपका कैसा रहा? मैं भाग्यशाली था, मैं गया शुरू में तो मेरे कुछ रिश्तेदार थे, है ना, उनके पास रहा, लेकिन क्योंकि वही वाली बात थी मतलब कि आप इस तरह से रह नहीं पाते, फिर माँ थी अचला जी, उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ, अच्छा वो ऑलरेडी मुंबई में थे, वो बॉम्बे में थी, अच्छा तो उनके पास रहे सेंटा क्रूज, ओके, एक छोटा सा घर, उसमें मतलब हम लोगों ने बिल्कुल रही सी छाट बाट के साथ रहते थे वहाँ पे, अच्छा, और यहाँ तक रहता था कि नहीं ये काम नहीं करना, हाँ ये करना है ना, अच्छा सेलेक्टिव तक पहुँच गए थे, है ना, उस
ऐसी वाली जिंदगी में, मतलब स्ट्रगल के दिनों में सेलेक्टेड होना तो बहुत ही वो मजा ऐसा नहीं है, ये मतलब अपने आप को इंतजार करा रहे हैं फालतू का। अच्छा क्यों? क्योंकि आपको रूटीन मिल रही थी, आपके दिन सही कर रहे थे वहाँ पे, है ना, माँ देख रही थी, वो सब चल रहा था। फिर मैं माँ को असिस्ट भी करने लगा राइटिंग। अच्छा फिर माँ मेरे को जो हर उसका जो जो मैं काम करता था एपिसोड वाइज या कुछ भी होता था उसका मेरे को पैसा दिया करती थी। अच्छा वो मेरा बैंक में जमा होता रहता था। अच्छा और खाता मैं उन्हीं के पास था। अच्छा शौक मौत जो है सब मैं सिद्धार्थ सब मिल बांट के करते थे और मेरा जो अपना पैसा था वो जमा होता रहता था। अच्छा फिर उसके बाद धीरे 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 करके एक होता ही है कि एक सिचुएशन आती है कि मतलब आप कुछ अपना, जब मैं अपनी मदर अपनी सिस्टर को लेकर के आ गया वहाँ पे, है ना, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और फिर उसके बाद फिर मैंने अपने आप को अलग जो है जगह ढूंढी। अच्छा और फिर वहाँ रहने लगा और फिर धीरे 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 करके मतलब सिलसिला बनता चला गया। पहले टीवी सीरियल करता रहता था, फिर उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई जब मैंने जब भी मैट की तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जो है सीरियल नहीं करूँगा। अच्छा इस जब भी मैट के बाद आपने ये तय किया? हाँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने सीरियल नहीं किया और फिर मेरी स्ट्रगल कायदे की तब शुरू हुई। अच्छा सिनेमा पकड़ने की। अच्छा समझे जी। और तब तभी ये ठान लिया था कि अब सीरियल की तरफ नहीं जाना है और सिनेमा नहीं। हाँ और उसी समय जो है क्या बोलते हैं इसको, उन्होंने ये सीरियल नहीं करना है और तभी इंट्रोड्यूस हुआ क्रेडिट कार्ड। अच्छा समझे क्रेडिट कार्ड की एंट्री हुई और वो 1, 2, 3, 4, 5 आप जितने ले लो। अच्छा है कि नहीं, वो उस पर रोक टोक तो थी नहीं, वो मैंने लिए, उससे मैंने घर चलाया। अच्छा और उसका मैं मिनिमम पे करता था 40,000 तक। अच्छा तो सोचो आपकी मतलब कि 40,000 मिनिमम पे कर रहे हैं आप, तो फिर ये कार्ड कब चुकाएंगे आप बाकी हैं। तो फिर धीरे धीरे करके ऊपर वाले की कृपा हुई, मुझे काम मिलता गया और मैं सिलसिलेवार जो है एक एक कार्ड को मटियाता गया। अच्छा है ना, किसी का मिनिमम पे करना, किसी का मैक्सिमम पे करना और फिर धीरे धीरे करके उसको खत्म कर। ओके तो ये वो टाइम था, एक उसको आप स्ट्रगल कह सकते हैं, बस वही एक चंक था। अदरवाइज मैंने मतलब ऐसी वाली कोई स्ट्रगल नहीं देखी अपने ठाकुर जी की कृपा से, मतलब जैसे कि मतलब बहुत से लोगों की तकलीफ दे जिंदगी हुआ करती थी। और पहला ब्रेक सिनेमा में जो है आपको जिसने आपको सबसे अच्छे से पहचान दिलाई, आपकी छोटी छोटी भूमिकाएं चाहे वो हासिल में रही हो चाहे उसने सबके बीच में एक छाप छोड़ी है, लेकिन जब हम बतौर दर्शक देखते हैं तो हम याद रखते हैं उसे, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आपका ऐसा कौन सा रोल रहा जिसने आपको बाकी डायरेक्टर्स या बाकी जिन लोगों आपको पिक करना शुरू हुआ जिस रोल के बाद, आप किसे मानते हैं? जो जब वी मेट एक बहुत सक्सेसफुल मूवी थी जी, तो जितनी बड़ी मूवी जितनी सफल मूवी उसको लोगों ने देखा, उसको इंडस्ट्री ने देखा, तो उसमें जो मेरी छोटी सी भूमिका थी एक डेढ़ सीन की, वो लोगों को यादगार रही उनके लिए दिमाग में, पीके में। हाँ। तो क्या होता है कि ये सारे सीन्स जो है ये जोड़ के इन्होंने जो है मेरे को आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद थोड़ा सा चमत्कारिक जो रहा वो रहा पान सिंह तोमर आने के बाद मतलब डिमांड बढ़ गई भाई एक्टर की जी, ऐसा वाला हो गया वो पत्रकार की जो भूमिका थी वो बहुत अच्छा उसमें वो कहीं से आपने उसकी इंस्पिरेशन कहीं से ली थी कि मतलब जिस तरह से आप जाते हैं और पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें जब आप डायरी निकालते हैं जब आप बैठते हैं जब आप सॉफ्टी के बारे में पान सिंह को बता रहे हैं तो उसमें जो इंटरनली मतलब आपने किसी सच में किसी पत्रकार को ऑब्जर्व किया था कि छोटे शहरों के पत्रकार लगभग इस तरह से होते हैं ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है कि जब वो पान वाले पे जाता है तो वो बड़ा एकदम तैश में बताता है कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ, क्या है कि मैं मथुरा में रहता था जी, थिएटर करते थे हम लोग, थिएटर की न्यूज भी निकलती थी उसकी डिटेल्स भी जाती थी है ना, तो पत्रकार लोगों से मिलना मिलाना होता था, आप सोशल वैसे ही हो जाते हैं, उठना बैठना आपका इन्हीं लोगों के साथ होता है, ऐसी चर्चा में रहते हैं आप, तो पत्रकार का एक थनक तो रहती थी ये हम देखते थे। अब वो छोटे बड़े शहर का हमें नहीं पता, वो बड़े शहर का वो आलम अलग होता है
लेकिन छोटे शहर में भी मतलब उनका बातचीत करना, उनका अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कौन हो रहा है, कहीं भी जाते थे वो लोग दिख जाते थे कि मतलब कि हाँ भाई ये लोग पत्रकार भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो लोग उनसे कायदे से बात करना करते थे, कुछ अनाप शनाप मुँह से ना निकल जाए, तो उनकी ठनक रहती थी। लेकिन ये जो पत्रकार है ये मिलने किसे जा रहा है, ये मिलने एक ऐसे बंदे से जा रहा है कि जहाँ इसकी इसको ये इंटरव्यू चाहिए और उसको ये कि मतलब कि उसकी जिंदगी जो है वो अटकी हुई है ना, तो इस तरह का जो सिलसिला उसमें दिखाया गया है तो उसको मैंने जोड़ा। मैं सुनता था वीरप्पन से मिलने से पत्रकार जाते थे तो उनकी आंखों में पट्टी बांध के उनको ले जाया जाता था, वहां जाकर के वो उनका इंटरव्यू करते थे जी। और उसका इंटरव्यू फिर बाहर आता था, वो बड़े चर्चा में रहते थे कि वीरप्पन के बारे में खबर लेके आए, लेकिन अगर वीरप्पन बोले उनसे कि तुम हमारे बारे में लिखो और तुम यही रहो, तुम्हारा कागज हम बाहर पहुंचा दिया करें, तब क्या होगा, है ना। तो वो जो डर है कि आप मिलने किससे जा रहे हो, उसको महसूस करना, उसका एहसास, वो उस किरदार में जब मेरी डायरेक्टर दिमांशु से बातचीत हुई तब उसने यही समझाया अपनी देसी भाषा में कि भाई तेरी हालत खराब है, तू जा तो रहा है लेकिन पता नहीं है कि लौटेगा भी नहीं। हाँ। और अंदर जो एक वो है इच्छा वो यही है कि अगर मैं ये इंटरव्यू कर लाया करके ले आया जी। तो बस मैं ही मैं हूँ। हाँ। बोलता ही है ना वो कि मतलब कि पार्लियामेंट में उछलेगा। हाँ। तब देखना। हाँ। तो वो बोलता भी है मान सिंह तो तुम छापोगे, जी हाँ, तुम्हारा नाम हो जाएगा, फायदा होगा इससे, हाँ साहब, है ना। तो मतलब उसको लगता है कि यार, तो वो है, वो बस समझा परखा उसको, बस एक बार कलाकार एहसास कर लिया तो काम आसान हो जाता है। इरफान साहब के साथ काम करने के अनुभव के बारे में भी थोड़ा कुछ बताइएगा। इरफान तो मतलब हीरा आदमी था शुरू से, मैं तिग्वांशु के माध्यम से उनसे मिला और बस जब एक बार मुलाकात हुई तो वो बढ़ती गई। हम लोगों ने बहुत 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 सारा काम किया, हम लोग टीवी के टाइम को लेकर के और बहुत सारा समय भी व्यतीत किया। वो टाइम तब का था जब किसी के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। अच्छा। हम लोगों ने हम बॉम्बे नहीं जाएंगे एक सीरियल वो था, वो मैंने किया था उसके साथ। और उस पर अगर मैं कहूँ कि उसको तिग्वांशु ने डायरेक्ट किया और उसको मैं भी लिखता था, आपका विक्टर भी लिखते थे। अच्छा। जो धूम के डायरेक्टर थे जी, है ना, सौरभ शुक्ला भी लिखते थे और सब हम सब एक्टिंग भी करते थे उसमें, है ना। तो ये बना हुआ था सारा सिलसिला और फिक्स था कि मतलब कम से कम हमको सबको इसमें जो है वो मिलना चाहिए, 1000 रुपया पढ़ने के हिसाब से तो मिलना चाहिए। अच्छा। है ना, जिससे कि हमारा जीवन सही तरीके से बॉम्बे में कट पाए। ये तो वो टाइम था उस वक्त का, है ना, जब हम बॉम्बे नहीं जाएंगे कर रहे थे, शुरुआती दौर था उस समय जब नया नया टीवी चैनल्स आए थे, बहुत सारे टीवी चैनल्स आए थे उस वक्त, है ना, टीवी आई था, होम टीवी था, इस तरह के नाम थे उनके। और फिर एक लिखा था मैंने बेस्ट सेलर। अच्छा। भौरा ने खिलाया फूल। अच्छा। है ना, वो मैंने उसके लिए इरफान के लिए लिखा था। अच्छा। उनको सोच के ही लिखा गया था वो? नहीं, उनको सोच के नहीं, मतलब अच्छा। वो डायरेक्ट करते उसको। अच्छा। वो मैंने उनके लिए लिखा था और हम एक और जयपुर की तरफ, राजस्थान की तरफ हम तिग्वांशु के साथ गए थे शूट करने के लिए कुछ और बेस्ट सेलर। और फिर वो शूट करके जब हम लौटे तो उसके बाद तिग्वांशु ने अपनी एक कंपनी खोली और उसमें उसको बनाना था अब एक बेस्ट सेलर, तो उसने बहुत सारे राइटर्स बुलाए। अच्छा। लेकिन उसको कोई कहानी जमी नहीं। तब उसने मेरे को बुलाया, बोला कि यार तेरे पास भी तो कहानी है। हाँ, मैं इनकी हैट थी वो इरफान को दे रही थी। तो फिर हमने इरफान के घर से मंगवाई। अच्छा। और फिर जब वो कहानी सुनाई तो बाकी जो साथ में राइटर थे वो कह रहे इतनी सुंदर कहानी है। अच्छा। चीज तो आपके घर में है। और फिर वो तैयार की। अच्छा। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर। तो इरफान जो है तो हम पतंगबाजी क्रिकेट
अच्छा, गाना बजाना ये सब जो है, इस सब का भी समय मिल जाता था उसी समय मिलता था। अच्छा, शुरुआती टाइम में जी, तो धीरे धीरे सब खो गया है ना। देखो क्या होता है कि ये ऐसी जगह है जिसके पास काम नहीं है वो मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उठते बैठते हैं, जिंदगी को समझते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है ना। जिस में जो क्षमता होती है वो उसके अकॉर्डिंग बताता है जी, है ना। तो कहानियां भी तैयार होती हैं, वो हम करते थे, ये उसी दौरान तैयार हो गया जी। बोरा ने खिलाया फूल और भी कुछ बेस्ट सेलर्स थे वो सब, फिर कुछ कुछ हमने मतलब और भी चीजें तैयार की थी, है ना। तो होता क्या है कि जब ज्यादा काम नहीं है तो मुलाकातें ज्यादा है, हाँ। और जब आपके पास काम आ गया तो मुलाकातें कम हो जाती है, है ना। अच्छा, लिखना आपका सर यही एक सिलसिला जो है बना हुआ था, धीरे धीरे करके इरफान बिजी होते चले गए, फिर तिग्मांशु भी बिजी होते चले गए, फिर मतलब हमारा भी टाइम आया, हम भी बिजी होते चले गए। तो वही होता है, सब आगे आगे व्यस्तताएं बढ़ जाती है सबकी, तो फिर मिलने के सिलसिले अपने आप ही कम हो जाते हैं। और सर ये थोड़ी सी बात करते हैं अब OTT वाले प्लेटफॉर्म्स पे, वेब सीरीज पे, उसने क्योंकि थिएटर में हम इसमें सॉरी सिनेमा में हम ये देखते हैं कि जैसे आपकी भूमिका जब लोगों ने जब भी मेट में देखी तो आपने उस छोटे से रोल में अपनी छाप तो छोड़ दी लोगों के मन में, ऐसा ही पान सिंह तोमर में। लेकिन इतने छोटे रोल्स के साथ में एक चैलेंज ये होता है कि लोग बाय नेम जो है वो एक्टर को नहीं पहचानते हैं। तो जैसे आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए, और जब भी आपको देखा तो लोगों ने कहा अरे ये तो पान सिंह तोमर वाले पत्रकार हैं या जब भी मेट वाले वो हैं, तो वो जो नाम वाली पहचान है उसको लगता है कि OTT ने फिर उस वो वाली पहचान देने में भी मदद की। हाँ मतलब खैर अभी देखो क्या है ना कि आपकी अगर एक पहचान बन गई जी, लोग मुझे पान सिंह के नाम से पहचानते हैं, तो मैं एयरपोर्ट पर उतरा या कहीं भी गया, किसी ने दिखा अरे फलाना एक्टर है, अब वो डायरेक्ट अगर मिल गए हाय हेलो होगी तो बात अलग, अदरवाइज वो गूगल करते हैं, देखते हैं हाँ। कौन सा किरदार है, फिर तुरंत काला सर हाँ। तो मैं सरप्राइज, काला सर जो है सरप्राइज कि इसको मेरा नाम कैसे पता, ब्रिजन करा जी। तो मैं फिर अंदाजा लग गया धीरे धीरे कि ये लोग गूगल करके आ जाते हैं, और उस तरह से बड़ा अच्छा लगता है, चलो जैसे तैसे जो भी है कि एक पहचान बनी। सर जब ये वाले रोल, जैसे जब आपके पास जब भी मेट का ऑफर आया और ये आपका जो टैक्सी ड्राइवर वाला जो रोल था, तो आप उस समय पे स्पेकुलेट कर पा रहे थे कि इस रोल के बाद इतनी चीजें बदलने वाली हैं? नहीं उस समय पे नहीं, अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये था कि मतलब पिक्चर का अंदाजा ही नहीं था, पूरी पिक्चर के बारे में हमें पता ही नहीं था। अच्छा, हम वो सिर्फ अपने रोल के बारे में बता, अच्छा कि हम ये कर रहे हैं ऐसा ऐसा है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा था वो जी, है ना। लेकिन पूरी कहानी का याद भी नहीं है मुझे, वो पूरी कहानी में से क्या क्या सुनाया था क्या क्या नहीं सुनाया था। जब सबसे पहले मेरी बातचीत हुई थी तब शायद उसमें बॉबी देओल थे, अच्छा तब मेरा रोल फिक्स हो गया था। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है फिर पता लगा शाहिद कपूर और करीना है, तो वो एक बात आई गई सी हो गई। लेकिन वही वाली बात है कि जब भी मैं और PK दोनों ब्लॉकबस्टर थी, उनके सुपर डुपर होने में बाकी टीम का तो हाथ था ही, उससे क्या है कि हमारे भविष्य में भी चार चांद लग गए उससे, बिल्कुल है ना। वो भी क्योंकि आप अभी मतलब मुझे विधि गुरु चोपड़ा मिलते हैं, वो कहते हैं कि PK में मुझे कुछ याद हो ना हो लेकिन सिर्फ तुम्हारा सीन मुझे याद, मंदिर मूर्ति बेचने मूर्ति जी। मेरे को आमिर ने इसी किरदार के लिए अपने घर बुलाया था, अच्छा वो सिर्फ उसी सीन की बात, अच्छा तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना, उसको करने से बहुत बढ़ोतरी मतलब ना एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट आया मेरे लिए। अच्छा सर, अभी आप जब अपनी जर्नी पीछे देखते हैं मुंबई जाने की, कौन से साल में आप मुंबई? मैं 1992 में गया था। 92 में आप चले फाइनली? अच्छा, और सिनेमा वाला जो आपको पहला ब्रेक मिला था वो पहली मूवी आपकी शायद हासिल पहला रोल था? नहीं, देखो तुम बताओ, मैं पहली मूवी तो मैंने जब मैं मथुरा में था जी तब मैंने की थी सुबह होने तक। अच्छा, ठीक है ना। माँ ने अच्छा जी ने वो फिल्म लिखी थी, संदीपन ने जी जो मेरा थिएटर डायरेक्टर था उसने डायरेक्ट की थी। अच्छा। हम लोग लखनऊ गए थे, हमने सारे काम किए उसमें, हमने एक्टिंग भी की,
हमने क्या बोलते हैं प्रोडक्शन भी किया, अच्छा। सारे काम किए थे उसमें जी, असिस्टेंट भी थे, सब कुछ किया। वो शूट भी उधर ही हुई थी, वो शूट लखनऊ में, लखनऊ में शूट हुई थी। बस वो पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई, ओ है ना, कैसेट वैसेट बनी थी उसकी। वो पहली फिल्म थी, अच्छा। और उससे भी पहले एक छोटा सा कुछ मैंने शायद तुम लौट आओ भीमसेन साहब की फिल्म थी वो दिल्ली में, उसमें एक सीन कभी किया होगा, अच्छा। लेकिन जो इनिशियल मुझे याद है वो मैंने की थी, मैं असिस्ट कर रहा था माँ को, अचला जी को, मेरा पति सिर्फ मेरा है, अच्छा। साउथ में, अच्छा, मद्रास हैदराबाद में शूट हुई, ओके। वहां मैं असिस्ट कर रहा था माँ को, मैं वहां गया था, एक सीन मैंने रेखा जी के साथ, अच्छा, वो एक था। उसके बाद फिर जिसे कहना चाहिए कि सिलसिले बाद वो भी एक ब्रज में भाई संदीपन का छोटा भाई सिद्धार्थ, उसने ब्रज का बिरजू, ब्रज भाषा की फिल्म, अच्छा, वो हमने मथुरा में की, ओके। और उसके बाद फिर सिलसिले ये हासिल जो है जी वो, तो तिग्मांशु जी से मुलाकात मुंबई जाने के बाद ही हुई। क्यों बताऊं कि तिग्मांशु मेरा कजन है, अच्छा, मेरी मौसी का बेटा है, ओके। और वो जब स्कूल में था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब मैं इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे कर रहा था वहाँ प्ले, अच्छा, हाँ। अच्छा, तो तब से मतलब मिलना हम लोगों का बहुत देर में हुआ, लेकिन एक कायदे की मुलाकात हमारी तब हो चुकी थी। उसके बाद फिर बॉम्बे में वो भी आ गया था, मैं भी आ गया था, तो ये सिलसिला फिर यहाँ पर जो है आगे बढ़ा। OTT का जैसे आपने जब तय कर लिया था कि मुझे सिनेमा सॉरी टीवी अब नहीं करना है, सीरियल नहीं करना है, तो फिर जब पहला OTT के लिए जो आपको पहला किसी ने अप्रोच किया, उस पे आपने तय कर लिया था कि ये OTT फ्यूचर है और ये मैं कर सकता हूँ, मतलब सिनेमा के अलावा OTT भी मुझे करना है, और पहला ऑफर क्या था? अरे मैं तो मतलब OTT वगैरह नहीं शुरू हुआ था, वो एक मैंने जो पहली बार किया TVF का एक शो था, प्रोग्राम था, उसके लिए बुलाया था, और एक और था लव रंजन का शो, उसके लिए एक एपिसोड के लिए मुझे कॉल किया था, अच्छा, वो बहुत वायरल हुआ, बहुत अच्छा था, तो मैं एक मुख्यमंत्री का होता है, PA होता है, अच्छा, उसका किरदार किया था मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैंने पूछा क्या है ये, सर ये वेब है, भाई किसमें आएगा, सर ये मतलब आएगा ना नेट पे आएगा, इस पे आएगा, अरे मैंने नहीं आ रही, अच्छा, ये मतलब मोबाइल पे देखेंगे, मैंने मैं TV नहीं कर रहा हूँ तो मोबाइल क्यों करूँगा। तू समझाया उसे कि नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। ये मतलब इस तरह की गणित नहीं है, अच्छा। फिर मैंने कहा पता नहीं ये लोग पैसे देंगे कि नहीं देंगे, हाँ, शूट करने का, फिर जब शूट करने लगा तो मेरे को ये चिंता कि इनकी चीज बिकेगी कैसे, हाँ। फिर धीरे धीरे करके पता लगा कि नहीं भाई ये गेम अलग है, ये किस्सा अलग है। तो कैसे कन्विंस, मतलब आपको उस समय किसी ने बताया बच्चों ने, हाँ, या मतलब, किसी ने बच्चों ने मतलब फोन करके बोला कि अच्छा, उन्होंने कन्विंस कर लिया था, मतलब ऐसा आप एक बार करो तो सही, आपको अच्छा लगेगा, ये लगेगा, अच्छा। फिर तब तक धीरे धीरे करके TVF भी पॉपुलर हो रहा था, फिर मैंने उनका आम आदमी फैमिली किया, उसके मैंने 3 सीजन कर चुका हूँ, चौथा भी तैयार है ना, फादर्स किया उनका, फिर मतलब फिर मैंने देखा कि ये बच्चों में बड़ा प्रचलित है, हाँ, इस तरह के पॉपुलैरिटी बहुत है, वायरल है जी, बच्चों में जाकर लार्जर ऑडियंस है, हाँ, और यूथ के बीच आपको सीधे यूथ के बीच जाकर के मेरे को एयरपोर्ट पे जो है आम आदमी की बात करते थे लोग, अच्छा, मोमेंट इज गुड, अलग चीज है एक। तो फिर कोरोना के टाइम पे एकदम से OTT का बूम आया, लोग घर बैठे बैठे जो है ये कर, लोग जो है, और पैसा कैसा मिलता है सर कलाकार को? हाँ, अब तो ठीक है, वेब सीरीज में भी अब अच्छा पैसा है, जितना सिनेमा देता है लगभग उतना ही दे देता है ये भी? हाँ, अभी तो कोई वो नहीं है, अच्छा, अभी तो हर जगह हिसाब से जो आपको वहाँ मिलता है वो आपको यहाँ मिलता है, ऐसा कोई ये नहीं कहेगा सर ये सारी वेब सीरीज है, अच्छा, फिल्म है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड करता है किस तरह का काम आप किस तरह का उसमें कर रहे हैं, मतलब बड़े बजट ऑफर्स यहाँ पे नेचुरली।
वो तो हर हर समय ऐसे ही होता है किस बजट का प्रोग्राम है। तो वो जब हमने किया तब जाके लगा था, हाँ मैं बोला था कि कोरोना के टाइम पे ये जब हो गया लोग ओटीटी की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे, तब जाकर के समझ में आया कि मतलब कि अब ये जो है इसका आयाम बढ़ गया, लोगों में इंटरेस्ट भी बढ़ गया है और साथ ही साथ काम भी बढ़ गया। उसका क्या लोग इंतजार करने लगे जी, अभी सीजन कौन सा, अब इसका सेकंड कब आएगा, अब इसका थर्ड कब आएगा, अब नया और क्या आने वाला है, ऐसा वाला सिलसिला चल रहा है। तो ये अच्छी बात अपने व्यक्तिगत तौर से, हालांकि ये सवाल बहुत मतलब कई लोगों को इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि अपना किया हुआ हर काम ही अच्छा लगता है या पसंदीदा होता है, लेकिन फिर भी आपको जो आपके दिल के सबसे करीब रहा हो वो वाली भूमिकाएं कौन कौन सी अभी तक की रही है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब मेरे को मेरे सारे काम अच्छे लगते हैं जी। मैंने जो रिलीज नहीं हुए हैं, हाँ। अब जो रिलीज ही नहीं हुआ उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, हाँ। है ना, तो उनको मैं कचरे में नहीं डाल सकता जी। मैंने समय दिया है, मैंने बहुत मेहनत की है उनके लिए और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी किरदार हो मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ जी। कि मतलब लोगों को वो पसंद आए, लोग उसे याद रखें, मतलब ऐसा मैंने चलता हुआ काम कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं कभी किसी के बारे में नहीं कहूँगा कि मेरे को फला फला किरदार बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी आपने अपने कुछ ऐसे मानक भी बनाए हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है कभी, या इस तरह का काम नहीं करना है, या ऐसा कुछ कि ये मेरे को कभी मिले तो ये मैं जरूर करना चाहूंगा? किसी को कोई रोल आपको ऐसा नजर आता है कि मेरे को काश ये वाला रोल मुझे मिलता तो मैं इसमें बहुत अच्छा करता? नहीं, 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 ऐसा कभी लगता है? कभी नहीं। मैंने कभी, मेरा ये भी नहीं, कोई पूछता है कि आपका ड्रीम रोल क्या है, हाँ क्या करना चाहते हो, मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने कि नहीं, मेरे को जो आज जो मुझे ऑफर होगा उसी को सबसे अच्छे उसको से मैं करना। उसको मैं अभी मैं अगर बाप के रोल कर रहा हूँ इस उम्र में तो मुझे बाप के रोल मिलेंगे, लेकिन मैं उसको डिफर, उसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे पैदा कर सकता हूँ, उसको पिछले वाले से डिफर कैसे बना सकता हूँ, वो चैलेंजिंग है, वो चैलेंजिंग है, वो करना चाहिए। बहुत सारी और भी बहुत सारे किरदार हैं जो कि मतलब आप करते रहते हो, आपको वकील का रोल कर रहे हो, पुलिस वाले का रोल कर रहे हो, चाचा का रोल कर रहे हो, वो आपको ऑफर आते वही आएंगे ना, तो उस तरह के जब आते रहते हैं तो उनको आप कैसे मतलब इंटरेस्टिंग और लाइवली बना सकते, वो है इम्पोर्टेंट। मतलब कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं जिसको लेकर के आप बहुत उत्साहित हों, लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि अभी ये आने वाला है, क्या क्या? एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म जी, इसका मुझे इंतजार है, जीवन बीमा योजना। जीवन बीमा, अच्छा बीमा का क्या अर्थ हुआ? अरशद वारसी जीवन और बीमा दोनों रोल कर रहे हैं। अच्छा, और योजना उनकी वाइफ, ओ जो अपना संगीता शेख है वो बनी। अच्छा, उसमें मैं और विजय राज बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। ओके, और तो वो वही है जीवन बीमा योजना। अच्छा, और ये शूट कंप्लीट हो गया इसका? हाँ। अच्छा, इसके डायरेक्टर है अभिषेक डोगरा, जिन्होंने डॉली की डोली बनाई थी। अच्छा, ओके। और फ्राइडे, ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो, उसका मुझे इंतजार है अगले साल 2023 में। हाँ, प्रभु आए। ओके, एक वो है, एक फिल्म है जॉनी जंपर। अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग, वो भी शूट हो चुकी है। हाँ, वो भी शूट हो चुकी है। अच्छा, उसके अलावा एक ये अभी हाल फिलहाल ने किया सर्व संपन्न मैडॉक की फिल्म, सोनाली डायरेक्टर है उसकी। अच्छा, सोनाली, और उसके बाद अभी इंतजार है मुझे अपना आम आदमी फैमिली सीजन 4। अच्छा, वो Z5 पे आएगा। ओके, वो एकदम तैयार है। अच्छा अच्छा, वो भी पूरा सब कुछ हो चुका है? बिल्कुल तैयार है। ओके, इसके बाद फिर ये काली काली आंखें, उसकी शूटिंग अभी होनी है, उसका अगला जो वो है। हाँ, अगला पार्ट भी जो है उसका तैयार होना है। सबसे अच्छे अनुभव सर किसके साथ, मतलब अच्छे अनुभव तो बहुत लोगों के साथ होंगे, लेकिन कुछ पर्सनली आपको याद आ दो कि फला के साथ काम करने में बहुत मजा आया या आता था? वो हमारा गैंग है यार, मैं संजय मिश्रा, मैं सौरभ शुक्ला, मैं विजय राज। अच्छा, मैं हेमंत पांडे, मैं विनय पाठक, तो ये सब अपने अपने करीबी जो होते हैं, मैं मनोज पावा। अच्छा, सीमा पावा, मतलब जिसे कहते हैं कि वो थोड़ा सा भी अंदाजा लगता है ना कि
मैं हमेशा पूछता हूँ किसी प्रोजेक्ट को करते वक्त कि कौन कौन है। अच्छा, वो कहे सर नहीं आप चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया लोग हैं। नहीं नहीं मैं बढ़िया तो होंगे, तुम क्यों घटिया लोगों को लोगे, है ना, तुम तो बढ़िया लोगों को लोगे भाई, लेकिन फिर भी मुझे बता दो। कहते नहीं आप डोंट वरी सर साहब। मैंने कहा सुनो, कल तुम्हारी शूटिंग है और आज मुझे मालूम पड़ा कि फला फला है और मुझे पसंद नहीं है, या मेरा नहीं जमती उनके साथ, या मेरे को नहीं चाहिए ऐसा, तो मैं तुम्हारी छोड़ दूँ। फिर तुम क्या करोगे, गली गली में किसको लेके आओ? अच्छा अच्छा, तो मैं डेफिनेटली सुरताल जो है इंसान है हम लोग भाई जी, है ना, हर एक का जुड़ता मिलता रहता है, वो होना चाहिए, तो हम भी वही करते हैं। तो ये जो मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट मजा आया था। हाँ, जब पता लग जाता है इनमें से किसी का नाम आ गया है तो फिर मतलब मजा आने वाला है। हाँ, तो फिर ये कि हाँ, फिर वो फोन भी करते हैं। अच्छा, मैं जाऊंगा तो बोलूंगा हाँ सौरभ आ रहा है क्या, सौरभ शुक्ला आएगा तो काला आ गया क्या, अच्छा है ना, वो कब आ रहा है, वो अपना अच्छा कब से ज्वाइन कर रहा है। हम लोग नॉर्मली नहीं मिल पाते, कहने को लगता है आपको हम सेम सिटी में रहते हैं जी, मिलते होंगे, नहीं जी कभी नहीं मिल पाते, बस हमारा मिलना यही शूट पे होता, शूट पे ही होता। हाँ, मैंने और विनय पाठक ने सबसे ज्यादा काम किया है एक दूसरे के साथ। अच्छा, मतलब मैंने, उन्होंने करीब 16 पिक्चर की है। अच्छा, है ना, और मतलब उन्होंने भी शायद मेरे साथ ही सबसे ज्यादा काम किया। और कभी कुछ बड़े उस तरह के अनुभव भी रहे जो कभी भुलाए ना भूलते हो? भुलाए नहीं भूलते हो क्या मतलब? मैंने यार एक फिल्म आई थी बेशर्म जी, रणबीर कपूर की, उसमें मुझे जो किरदार मिला था वो आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, और जिसे बोलते हैं ना कि आपको लाइफ का ड्यू मिलना जी, वो थी। अच्छा, और वो अचानक 10 दिन की शूटिंग के बाद मेरे को बुलाना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, डायरेक्टर ने या प्रोडक्शन हाउस ने। अच्छा, फिर मैं मिला। हाँ, बहुत मुश्किल के बाद, देखिए यार मैं और फिल्म कर नहीं पा रहा हूँ, डेट तुम्हारी रोक के रखा हूँ बार बार। हाँ, तुम लोग बुला नहीं रहे हो, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? फिर अचानक एक अजीब सा जवाब थी, मतलब कि फिल्म लंबी हो गई है, फिल्म ऐसा हो गया वैसा हो गया, और सर सॉरी आपका वाला कैरेक्टर स्क्रैप कर दे। अच्छा, स्क्रैप कर दे। महीने भर तक मैंने घर पे भी नहीं बताया अपनी वाइफ को। अच्छा, वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा क्या मतलब अपने आप में बहुत टॉर्चरिंग था वो, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद थी उससे मुझे। अच्छा जी, ऐसा कुछ वो बस एक है इस तरह की कड़वी याद, अदरवाइज सब ठीक है। और इस तरह के सर जब अनुभव होते हैं तो जनरली यही तरीका, मतलब ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा भी लगता है कि उन्होंने जैसे आपको फोन ही नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब शायद संभवतः ज्यादा बेहतर होता कि आपको बुला के और डिस्कस कर लिया जाता कि ऐसा कैसा हो रहा है और आप जो है दूसरा काम देख रहे हैं। हाँ, है, आप हमारे लिए जी रोक के ना रहे। और किसी एक्टर डायरेक्टर या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ अभी आपको लगता हो कि इनके साथ काम करने का बड़ा मन है, बड़ी इच्छा है? हाँ, डेफिनेटली, मतलब मैंने विशाल भारद्वाज के साथ काम नहीं किया। अच्छा, मैंने अनुराग कश्यप के साथ काम नहीं किया, इन लोगों के साथ काम करने का मन है। और अपने भैया सबसे मानता हूँ भानुशाली बंसाली जी, है ना, बंसाली साहब के साथ। अच्छा, काम करने का। और कुछ एक्टर्स भी हैं जिनके साथ में? हाँ, एक्टर भी बहुत हैं, मेरा क्या बोलते हैं, जैसे रणबीर कपूर है, उसके साथ मैंने बस वही किया था। अच्छा, जो विश्रम में 10 दिन। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब टैलेंटेड लड़का, उनके साथ मन है काम करने का, और आलिया के साथ काम करने का मन है। तो अभी और कौन है फैमिली में बच्चे? बस मुदिता मेरी वाइफ है, मेरी बेटी जुनाही है। अच्छा, माँ है मेरी। बेटी का नाम है जुनाही। जुनाही, अच्छा, जुनाही का मतलब क्या? जून, फर्स्ट रेज ऑफ मून। ओ, ये जून, 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 जून में पैदाइश हुई थी। और
ये नाम माँ ने दिया अचला जी। अच्छा तो बेटी कितनी बड़ी है, क्या बेटी मेरी क्या बोलते हैं ये ग्राफिक्स का कोर्स कर रही है पर्ल अकेडमी से, बॉम्बे। अच्छा बॉम्बे से, ओके। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और इतने शॉर्ट नोटिस पे, इतनी शॉर्ट आपका ट्रिप था, फिर भी आपने हमको बारहमासा से बात करने का समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप जब भी कुछ आपका आपको हम देखते हैं, आपके रोल से प्रभावित होते हैं, तो उत्तराखंड का हर व्यक्ति आपके आपकी छोटी से छोटी भूमिका में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हैं, और जिनका नाम उन लोगों में है जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत सारी शुभकामनाएं बारहमासा की पूरी टीम की तरफ से, और आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।